हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज ये जो वीडियो बन रही है, ये एक ऐसी वीडियो है कि यार स्टूडेंट्स वालों के लिए एक पूरा उनका जो आने का मकसद है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। मीन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सिंगापुर में आ रहे हैं, क्या सोच कर आते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स हैं वो आने की सोच रहे हैं या आ रहे हैं। क्योंकि उनके जो दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है उन लोगों के दिमाग में चलता है कि विदेश में जाके पैसों की हम बारिश लगा देंगे, पैसे बहुत कमा देंगे, स्ट्रगलिंग का तो नाम ही भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको स्ट्रगलिंग और आप आने से पहले क्या क्या बातें आप ये चीज़ें ध्यान से रख लो। अगर ये चीज़ें आपने, ये जो बातें हैं अगर आपने नहीं आपके दिमाग में आई तो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैं बताने वाला हूँ कि देखो, ऐसा जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है जब वो सिंगापुर आता है तो सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि भाई पढ़ाई तो मैं कम करूँगा और उसके बाद जब मैं काम के लिए ही चालू हो जाऊंगा, बिल्कुल इस तरह से कुछ ऐसा सोचता है। अब बात करते हैं कि जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जब सिंगापुर में आते हैं, भाई देखो यहाँ काम है, सैलरी भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा कमा लेते हैं स्टूडेंट्स और आप पैसा भी ठीक ठाक बना लेते हैं, लेकिन वो पैसा बनता कैसे है ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ भाई, सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, जॉब्स लेना चाहते हो और परमिट, तो मेरी एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल पर दे रखी है। और भाई मैंने जो नया चैनल, जो एक मिशन चैनल है जिसे मैं बोलता हूँ, कि जैसे उसमें मैंने अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ और उस हफ्ते में दो वीडियो आया करेंगे, उसमें उस मिशन का मतलब है जो आर इन्वेस्टिंग एकेडमी चैनल है, उस मिशन का मेरा जो चैनल बनाने का मतलब है कि भाई मैं बिना काम करे भी आप 50,000 रुपये कैसे कमा सकते हो, वो उस चैनल पर आपको वीडियोज आएंगी, तो उस चैनल को जाके जरूर सपोर्ट करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं सिंगापुर में आने के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब सिंगापुर आते हैं तो ये सोचते हैं कि आज आए कल से जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले ये देखो यार, सिंगापुर में जॉब्स जो है स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो भाई वहाँ के एजेंसी है या कुछ भी है, उन लोगों को ये नहीं बताया जाता कि जो आपका जो कॉलेज है वो पार्ट टाइम जॉब अलाउ करता है या नहीं करता। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो भाई यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, NTU, NUS, जो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आपने बैचलर डिग्री यहाँ पर करी है या कर रहे हो, करने वाले हो, तो आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो डिग्री डिप्लोमा कराते हैं इधर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं है MOM के अंदर, लेकिन फिर भी लोग काम करते हैं। तो अब बात करते हैं जॉब की। अब देखो, जॉब स्टूडेंट के मनपसंद की नहीं मिलती भाई, सबसे पहली बात ये है। मनपसंद की नहीं मिलती का मतलब जॉब वो सोचते हैं स्टूडेंट्स की भाई मेरे को ऑफिस में मिल जाएगा कंप्यूटर वर्क, ऑपरेटर वर्क, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत का काम है आपको, होटल, रेस्टोरेंट, वेयर हाउस, यहाँ पर ही काम मिलेगा तभी आप पैसा कमा। आप सैलरी की बात करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई $12-15 बराबर, लेकिन यहाँ जो बेसिक सैलरी 8-8.5 मैक्सिमम $10 तक आपको मिलती है भाई सैलरी। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप बात करते हो कि वह आप सोचते हो कि भाई विदेश में पार्ट टाइम जॉब्स में सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ है, तो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज जितने भी आप यहाँ पर एडमिशन कर रहे हो, प्लस क्योंकि आपका कोर्स डिप्लोमा का है 6+6, आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन ये भाई इलीगल है, ठीक है, ये बात सोच के रखो। और बात करते हैं कि भाई 1 साल के डिप्लोमा के लिए आ रहे हो तो आप 5-6 लाख कमा लोगे, भाई ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 1 साल के डिप्लोमा के लिए आ रहे हो उतना ही कमाओगे जितनी आपकी कॉलेज की फ़ीस है और आपका खाना खर्चा निकल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। पैसा जब भी कमाया जा सकता है जब आप किसी पर प्रोफेशनल काम कर रहे हो या काम पर ही हो। अब स्टूडेंट्स है तो भाई पढ़ाई भी करेगा, काम भी करेगा, तो इतना पैसा कैसे आप कंपेयर कर रहे हो जो लोग काम कर रहे हैं। अब भाई देखो, स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपेयर नहीं, स्टूडेंट्स का खर्चा मेरी वीकली आप $300-400 कमा सकते हो या $500 का, अगर बहुत अच्छा आपका चल रहा है तो 500, वैसे $300 मिल जाए तो भी बहुत भरेगी, $1200 अगर स्टूडेंट्स कमा लेते हैं सिंगापुर में तो उसका खाना खर्चा हो जाता है, ठीक है। अब पैसा कितना 1 साल में बन जाए, भाई पैसा ऐसा नहीं बनता, पैसा उतना बनता है जितनी आपकी कॉलेज की फीस है वो निकल जाती है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। स्ट्रगल की बात करते हैं, सोचते हैं कि भाई आज सिंगापुर लैंड होंगे, आज ही जॉब मिल जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। आप जब आज लैंड होंगे, पहले बात तो आपको इन्वायरमेंट समझना है, वहाँ की लैंग्वेज समझनी है कि कहाँ पर जॉब मिलेगी, आपको फ्रेंड सर्कल बनाना है, ऐसे तो नहीं आज जाते लग गए भाई काम पर, तो भाई ये चीज़ें नहीं होती हैं रियलिटीज़ में जितना आप सोचते हो। तो ये रियलिटीज़
और अपने मन की दुनिया को बाहर से निकालो। मन की दुनिया में तो बहुत कुछ चलता है, आप जो सोचते होंगे ना, तो सोचते होंगे यार मैं बाहर विदेश जाके $10 बराबर, 12 घंटे की जॉब, $120, 7 दिन, ऐसा ऐसा करके महीने के 3-4 हज़ार की आपकी इमेजिनेशन। भाई रियलिटी कुछ और ही है। अगर आपको जॉब भी मिलेगी 3-4 घंटे की ही मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो सैलरी 8 या 9 या 10 डॉलर के आसपास ही मिलेगी, और इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना कि आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि साल का बहुत सारा, साल में आपकी जितनी भी कॉलेज की फीस है वो ही निकल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकती। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नया चैनल मैंने ऑलरेडी बना दिया उस पर, तो भाई उसको सपोर्ट करोगे तो आपको गारंटी है 50-60 हज़ार रुपये की महीने की इनकम इन फ्यूचर में होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।